आज बहुत ही लाजवाब शाही पनीर बनाएंगे। उसके लिए 3 बड़े प्याज मोटे काट लिए हैं, कढ़ाई में डालेंगे। 3 प्याज लिए हैं तो 6 टमाटर ये भी मोटे मोटे काट के कढ़ाई में डालेंगे। और गैस अभी फ्रेंड्स जलाया नहीं है। भीगे हुए काजू आधी कटोरी ये भी डालेंगे। अब डालेंगे कुछ खड़े मसाले, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, अदरक, लहसुन बारीक कटा हुआ, चाय की 2 चम्मच ये भी डालेंगे। और अब डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर छोटा 2 चम्मच। और डालेंगे मक्खन 50 ग्राम। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। प्याज, टमाटर, बाकी सारी चीज़ें अच्छे से पकने के लिए 1/2 गिलास पानी। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। ढक्कन लगा के अब हमें अच्छे से गलने तक पकाना है। पकने के बाद देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हम इस मिक्सी जार में डाल के और बारीक फाइन पेस्ट बनाएंगे। मिक्सी में पीस लेने के बाद एक चलनी में छान लेंगे और जो भी थोड़ा बहुत मोटा रह जाएगा ना तो वो चलनी में आ जाएगा, तो ग्रेवी में बहुत ही फाइन सा ग्रेवी तैयार होगा। तो छान लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ग्रेवी हमारा तैयार हो चुका है, बिल्कुल फाइन पेस्ट बना है, बहुत ही अच्छी ग्रेवी तैयार हुई है। गैस जला के अब कढ़ाई रखेंगे, इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल और डालेंगे मक्खन। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 3-4 हरी मिर्च। हरी मिर्च कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। हरी मिर्च को बीच से मैंने कट कर दिया था, अगर बिना कट करे हम तेल में डालेंगे तो ये बहुत ज़ोर से उछलता है और जलने का खतरा भी रहता है, तो बीच में से चीरा ज़रूर लगा लें हरी मिर्च में। अब डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच भर के और डालेंगे पनीर। कुछ सेकंड के लिए ये भी फ्राई करेंगे पनीर के साथ मसालों को। पनीर आप अपने हिसाब से काट सकते हैं या छोटा या बड़ा। अब डालेंगे ग्रेवी जो हमने तैयार करके रखा था, सारे डाल देंगे। और जो जिस बर्तन में ग्रेवी था उसी में थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डाल के वो भी हिला के इसमें डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए पानी मैंने डाल दिया और फिर से मिला देंगे। और सारे मसालों को बैलेंस करने के लिए और अब हम डालेंगे थोड़ा सा चीनी। अब ये शाही पनीर पकने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगा तो अब साथ ही साथ सब कुछ डालेंगे। अब डालेंगे इसमें कस्तूरी मेथी और डालेंगे क्रीम। क्रीम डालने के बाद सिर्फ हमें ढक के 5 मिनट पकाएंगे और हमारा शाही पनीर तैयार हो गया। बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है। एक बार बना के आप ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आएगा। और पनीर, शाही पनीर की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो एक बार ज़रूर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें कि आने वाली वीडियो आसानी से आप लोगों को मिल जाए। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक और नई रेसिपी के साथ। तो ये देखिए परौठों के साथ।
बनाया है मैंने ये शाही पनीर, बहुत ही बढ़िया, बहुत टेस्टी लगता है और सादी रोटी के साथ भी अच्छा लगता है और चावल के साथ भी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि शाही पनीर की रेसिपी आपको कैसी लगी, और एक बार ज़रूर फिर से मैं कह रही हूँ कि बना के ज़रूर ट्राई करें आप, आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स।